उदयपुर से बड़ी खबर है, आखिरकार पैंथर परिवार पिंजरे में कैद हुआ है। सलुम्बर में वन विभाग कार्यालय, पंचायत समिति, पुलिस थाना, कब्रिस्तान परिसर में काफी समय से पैंथर परिवार का मूवमेंट बना हुआ था। आखिरकार ये कैमरे में देखिए कैद हुआ है, पिंजरे में कैद हो गया है ये पूरा पैंथर परिवार। आपको बताएं कि वन विभाग की टीम ने पैंथर परिवार को पकड़ने के लिए कड़ी मशक्कत की। जगह जगह पर पिंजरे लगाए गए, कल ही कब्रिस्तान के पास पिंजरे लगाए गए थे। और आपको बताएं कि पिंजरे में 8 माह का पैंथर शावक कैद हुआ था। आज अन्य 3 पैंथर भी वन विभाग के पिंजरों में आ गए। आखिरकार पैंथर परिवार पिंजरे में कैद हुआ है, ये देखिए तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई है। पिंजरे में कैद पैंथर को आप देख रहे हैं, ना केवल एक है बल्कि पूरा पैंथर का परिवार है। सलुम्बर में वन विभाग कार्यालय, पंचायत समिति, पुलिस थाना, कब्रिस्तान परिसर में काफी समय से पैंथर परिवार का मूवमेंट बना हुआ था। ऐसे में लोगों में दहशत थी। वन विभाग की टीम पूरी मशक्कत करती हुई नजर आई इस पूरे पैंथर परिवार को पकड़ने के लिए, लेकिन जो मशक्कत की जा रही थी इस पैंथर परिवार को पकड़ने में, वो आज पूरी हो गई है, क्योंकि पूरा पैंथर परिवार पिंजरे में कैद कर लिया गया है। जगह जगह पर पिंजरे लगाए गए थे वन विभाग की टीम की तरफ से। कल ही कब्रिस्तान के पास लगे पिंजरे में 8 माह का पैंथर शावक कैद हुआ था, लेकिन अन्य 3 पैंथर भी वन विभाग के पिंजरों में आ गए हैं। राहत की सांस वन विभाग ने ली है, साथ ही साथ आम लोगों ने भी ली है। रवि शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि, क्योंकि काफी समय से इस पूरे पैंथर परिवार का मूवमेंट बना हुआ था, आखिरकार पिंजरे में कैद हुआ, किस तरीके से पूरी ये मशक्कत रही, कैसे पूरा ये पैंथर परिवार पिंजरे में कैद हो पाया है? बिल्कुल, देखिए दीपिका, दरअसल सलुम्बर का जो ये इलाका है, कब्रिस्तान, इसके अलावा पुलिस का थाना और जो कई ऐसी जगह हैं जहां पर आम लोगों का मूवमेंट रहता था, वहीं पर पिछले कई दिनों से पैंथर के एक परिवार ने जो है अपना बसेरा किया हुआ था और दिन भर इनका जो मूवमेंट है वो इन इलाकों में दर्ज किया जाता रहा। ऐसे में किसी तरह की कोई गंभीर घटना ना हो, इसको लेकर वन विभाग की टीमों ने यहाँ पर करीब 4 से 5 पिंजरे जो है वो लगाए हुए थे। और सबसे बड़ी बात यह कि कल ही एक पैंथर का जो शावक है वो इस पिंजरे में कैद हुआ था और जिसको कि सुरक्षित वन क्षेत्र की ओर ले जाया गया। इसके बाद आज 3 और पैंथर, जिनमें मादा पैंथर है और उसके अलावा उसके शावक जो है, ये सभी जो पैंथर फैमिली है एक तरीके से, वो पूरी की पूरी फैमिली बन गई। संख्या रवि इनकी, देखिए कल एक पैंथर जो है पिंजरे में कैद हुआ था और आज 3 पैंथर जो है वो पिंजरे में आए हैं और इन सभी को जो है सुरक्षित जो संभवतः जयसमंद जो अभ्यारण्य है उस तरफ इनको छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि ये इनका नेचुरल इलाका है जहां पर इनका मूवमेंट रहता है, जहां रहते हैं। लेकिन आबादी इलाकों की ओर जो इनका आना है, और खासकर देखिए पिछले कुछ दिनों में इस तरह की घटनाएं बढ़ी हैं उदयपुर जिले की अगर बात करें, उदयपुर शहर के आसपास भी पैंथर का मूवमेंट बढ़ा है। तो ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती यही है कि इनको सुरक्षित तौर पर, अगर आबादी इलाके की ओर आते हैं तो इनको सुरक्षित तौर पर पिंजरे में कैद करके, ठीक है, आप तो ये पिंजरे में कैद हो गए हैं, पूरा ये पैंथर परिवार है, 4 ये बताए जा रहे हैं इनकी संख्या। अब लोगों ने राहत की सांस इससे जरूर ली होगी। बहुत शुक्रिया आपका बातचीत के लिए, जानकारी।